अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सदाम और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पेट्स ऑफ सदाम इकबाल। हम जो है जिमी भाई के साथ एक और जगह उनके पर्सनल फार्म पे आए थे जो कि तलीमी बाग के अंदर है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कुछ जो है वो रेप्टाइल्स भी हैं और कुछ एनिमल्स भी हैं, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर जो है इनके पास कुछ पाइथन्स हैं जो इन्होंने अपने शोज़ वगैरह के लिए रखे हुए हैं, जिसके अंदर दो पाइथन इसके अंदर है और एक ये जो है बड़े वाला पाइथन है। इसे अभी थोड़ी देर पहले पकड़ा भी हुआ था। वैसे तो इसने जो है वो रैबिट खाया हुआ है जिसकी वजह से इसे ज़्यादा जो है वो हाथ में नहीं पकड़ सकते थे। इसके बाद जो है वो आगे आपको कुछ और रेप्टाइल्स दिखाते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह इनके पास और भी काफ़ी रेप्टाइल्स दोस्तों, आप लोगों को दिखाते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल पाइथन, जो कि मेरा भी जो है सबसे पसंदीदा पेट है और इंशाल्लाह फ्यूचर में इसे लाज भी लेंगे। ये दुनिया के सबसे बड़े स्नेक्स होते हैं वो पाइथन्स हैं, लेकिन ये पाइथन्स के अंदर जो है सबसे छोटी ब्रीड है और ये अकेला ही पाइथन है जो पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पूरे पाकिस्तान में एक ही पीस पाया, पूरे पाकिस्तान में एक ही पीस है। आप इसका ये पैटर्न डिज़ाइन चेक करें, इंशाल्लाह फ्यूचर में इसी तरह का एक बड़े वाला पाइथन भी रखेंगे। आगे आपको दिखाते हैं कुछ, और ये है जी एग्वाना लिजर्ट, और ये है वो लिजर्ट जो है अपना कलर चेंज कर सकती है। इसके अंदर जो है ये जो ग्रीन कलर की है ये फीमेल है, और ये है वो जी पाइथन जो अभी आप लोगों को दिखाया। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे जो है वो कुछ लिजर्ट हैं जिसे लोकली तो सांडा कहते हैं और उसके अलावा जो है इसे स्पाइनी टेल लिजर्ट भी कहते हैं। उसके बाद आगे आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे जी वाइट माउस, जो कि बड़ा ही रेयर है और नॉर्मली देखने में नहीं मिलता और मैंने भी फर्स्ट टाइम ही आज ये देखा है। इसके बाद आगे है जी ये लिजर्ड है, लोकली यहाँ पे पाकिस्तानी को लिजर्ड है। उसके बाद आगे आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे जी है, इसे कहते हैं दो मुंह वाला सांप भी। यहाँ पे एक और है, ये भी दो मुंह वाला सांप है जो कि मेरा ख्याल है शायद रेत के अंदर बैठा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये रेल में जो है दो मुंह वाला सांप नहीं होता, ये सिर्फ यहाँ पे इसका नाम डाला हुआ है। आगे आपको दिखाते हैं यहाँ पे वाइट गिनिया पिग, इसे जो है कुछ लोग कहते हैं ये चूहे का और खरगोश के क्रॉस में ये ब्रीड बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो है सिर्फ मिथ है एक, ये जो है एक डिफरेंट स्पीशी है। उसके अलावा इसके अंदर जो है ये दो टोर्टोइस के बेबी हैं जो कि बिल्कुल छोटे छोटे हैं और लग रहा है कि न्यूली हैच्ड हैं, और ये वाइट माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत हैं और बड़े ही डिफरेंट हैं। इसके बाद आगे आप लोगों को दिखाते हैं ये है जी डियर, जो कि कॉमन डियर है और नॉर्मली पाकिस्तान में भी पाई जाती है। ये भी इन्होंने जो अपने फार्म पे एक पीस रखा हुआ है। इसके बाद आगे आप लोगों को दिखाते हैं ये है जी फिजेंट। इसके बाद आगे है जी इनके पास कुछ क्रोकोडाइल्स के बेबी हैं और माशाल्लाह ये भी जो है मेरी फेवरेट स्पीशी में से है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर जो है कुछ और स्पीशीज भी हैं इसके अंदर, देख सकते हैं ये वो टोर्टोइस हैं और इन्हीं के बेबी ही वहाँ पर पड़े हुए थे। ये माशाल्लाह काफ़ी है यूज साइज़ में, इन्हें जो है स्टार टोर्टोइस कहते हैं। उसके बाद आगे आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे जो है ये यहाँ पर भी जो है कुछ टोर्टोइस हैं और ये भी उनसे मिलते जुलते हैं, लेकिन ये साइज़ में थोड़े छोटे हैं। इसके बाद आगे ये देख सकते हैं आप, इसके ऊपर ये पैटर्न है, ये बिल्कुल स्टार्स की तरह है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर जो है कुछ पीकॉक्स हैं। ये है वाइट पीकॉक जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में पाया जाता है लोकली। उसके बाद माशाल्लाह ये बड़ा ही खूबसूरत है। इसके बाद आगे आपको दिखाते हैं ये है जी ब्लू शोल्डर, माशाल्लाह ये भी बड़ा खूबसूरत है। फिलहाल जो है इसकी टेल जो है वो उतरी हुई है, लेकिन ये भी माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत होता है जब इसकी टेल जो है वो कम्प्लीट होती है। उसके बाद आगे आप लोगों को दिखाते हैं ये है जी पोर्कोपाइन, अभी थोड़ी देर पहले जो है इसको पकड़ा हुआ था, और ये सिर्फ इकलौता पोर्कोपाइन है जो पाकिस्तान में टेम है। मेरा ख्याल शायद ये दुनिया में भी बड़े ही रेयर है कि ये किसी के पास टेम के अंदर पड़ा हो, जिसे जो है हम लोकली सह भी कहते हैं। इसके पीछे जो कंडे होते हैं ये अगर एक दफ़ा चुप जाएँ तो ये जल्दी कहीं निकलते नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए जी।